प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का। तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है बार बार सवाल जो है हमारे पास आ रहे हैं कि सर, इस चीज़ का सॉल्यूशंस बताइए, कैसे जो है इसको कंप्लीट करें और क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ जो है आप हमें अपडेट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आखिर क्या करना है और कैसे जो है हमें इस चीज़ को कवर करना है, कैसे इसको जो है कंप्लीट करना है ना। तो इसको लेकर कई सारे लोगों का सवाल था, तो उसी को लेकर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ आज की इस सेशंस में। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक इस वीडियोस को नहीं देखेंगे, हमें और आपको भी जो है प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से समझना है तो आपको अंत तक इस वीडियोस को देखना होगा, तभी जो है जाकर आपको इसके बारे में समझ में आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे चलेंगे और वन बाय वन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसका। इसका कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? जस्ट वेट। ये मैं ब्लू कलर कर लेता हूं, है ना, और ये थोड़ा डार्क वाला। ओके, तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्प्लाइसेस फॉर कंप्रेशन मेंबर आर डिजाइन फॉर, ये डिजाइन किया जाता है किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो शॉर्ट कॉलम के लिए डिजाइन किया जाता है। तो स्प्लाइसेस जो होता है कंप्रेशन मेंबर में, वो डिजाइन किया जाता है शॉर्ट कॉलम के लिए, बिकॉज they are subjected to compressive load, short columns are less likely to buckle than long columns, so हम लोग डिजाइन करते हैं short column के तौर पे splices को। okay, अगली questions की ओर बढ़ते हैं। अगला questions यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो होता है ना, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है कंप्रेशन मेंबर का इज लिमिटेड टू अकाउंट फॉर, वो लिमिटेड होता है किसके लिए? तो वो लिमिटेड होता है आपका इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंटल एंड कंस्ट्रक्शन लोड, दे मे बी यूज्ड एज रेल एज वॉकवे इन ब्रेज्ड रूफ ट्रस सिस्टम एंड वाइब्रेशन। तो ये तीनों ही सही है, यानी ऑल ऑफ द एवव के लिए जो हम लोग लिमिटेड होता है आपका ये, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि पीच इन बोल्टेड कनेक्शन, जो पीच होता है आपका बोल्टेड कनेक्शन में, शैल नॉट बी मोर देन, है ना, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो ये आपका 12 टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन टेंशन मेंबर, एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर में अगर बात किया जाए तो 16 टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है कि फॉर सेम लोड जो अनसपोर्टेड लेंथ होता है एंड इंड कंडीशन, जो लैस्ड कॉलम होता है एज कंपेयर टू बैटेंड कॉलम, वो ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, वो क्या होता है, ज्यादा
स्ट्रोंगर आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द बेस्ट डबल एंगल कंप्रेशन मेंबर सेक्शन इज, जो बेस्ट डबल एंगल कंप्रेशन मेंबर सेक्शन होता है वो क्या होता है, तो अनइक्वल एंगल्स होता है विद शॉर्ट लेग बैक टू बैक, है ना। तो यहाँ पे आपका अनइक्वल एंगल होता है विद लॉन्ग लेग्स बैक टू बैक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। ये डी नहीं होगा, देखो यही दो चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि शॉर्ट कॉलम हमें करना है कि मतलब शॉर्ट लेग करना है कि लॉन्ग लेग करना है, तो लॉन्ग लेग होता है, शॉर्ट लेग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम गेज लेंथ होता है, है ना, जो मैक्सिमम गेज लेंथ होता है वो क्या होता है फॉर इन वोल्टेड कनेक्शंस में, तो वोल्टेड कनेक्शन में जो मैक्सिमम गेज लेंथ होता है ये आपका 100+4t होता है, जहां पे t जो है क्या होता है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो जाता है क्या होता है, सही होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि जो मोस्ट सुटेबल कंप्रेशन मेंबर होता है सेक्शन होता है ना, जो मोस्ट सुटेबल कंप्रेशन मेंबर सेक्शन होता है फॉर रूफ ट्रस वो क्या होता है, तो रूफ ट्रस के लिए अगर बात किया जाए तो वो होता है डबल एंगल प्लेस्ड बैक टू बैक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बोला जा रहा है आपका कि एन आइडियल सेक्शन, आइडियल सेक्शन के लिए, इसके लिए आइडियल सेक्शन के लिए फॉर कंप्रेशन मेंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वन हैविंग सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो डिफ्लेक्शन होता है स्टील बीम में, है ना, जो डिफ्लेक्शन होता है स्टील बीम में इन बिल्डिंग मोर देन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इज लिमिटेड टू स्पैन डिवाइडेड बाय कितना होता है, तो 300 होता है, कितना होता है 300 होता है, कितना होता है तो 300। ओके, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे इन ए बोल्टेड प्लेट गिर्डर फ्लेंज, है ना, जो बोल्टेड प्लेट गिर्डर फ्लेंज होता है जो उसमें एंगल सेक्शन यूज किया जाता है शुड बी, है ना, एंगल सेक्शन यूज शुड बी वो यूज किया जाता है, शुड बी कितना यूज किया जाता है, तो ये अनइक्वल होता है एंगल, है ना, अनइक्वल एंगल होता है विद लॉन्ग लेग हॉरिजॉन्टल, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चंस था, है ना, जो आपका पहला क्वेश्चंस था वो आपका समाप्त होता है, फर्स्ट क्वेश्चंस आपका समाप्त होता है, अब सेकंड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है क्लासिफाई द प्लास्टिक कॉम्पैक्ट एंड सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस को जो है क्लासिफाई करना है, और इसी में मतलब ए के फर्स्ट में और सेकेंड में दिया गया है कि कंसिडर टी सेक्शन फ्लेंज, एक टी सेक्शन फ्लेंज को कंसिडर करना है जो कि 100 mm गुने 10 mm एंड वेव जो है 150 mm से 10 mm दिया गया है। कैलकुलेट सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर को कैलकुलेट करना है, प्लास्टिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है और रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे Fe 410 ग्रेड ऑफ स्टील को यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशंस करना है, तो उन क्लासिफिकेशंस को लेकर हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्लास्टिक सेक्शन, क्या लिखेंगे, प्लास्टिक सेक्शंस। तो जो प्लास्टिक सेक्शंस होते हैं कैन डेवलप प्लास्टिक हिंजेस, कैन
डेवलप प्लास्टिक हिंजेज, है ना, डेवलप करता है प्लास्टिक हिंजेज एंड एंड कोलैप्स मैकेनिज्म, है ना, कोलैप्स मैकेनिज्म्स, दे आर फुली इफेक्टिव, फुली इफेक्टिव इन प्योर कंप्रेशन, प्योर कंप्रेशन एंड कैपेबल टू रीचिंग, कैपेबल टू रीचिंग द फुल प्लास्टिक मोमेंट इन इन वेंडिंग एंड हेंस यूज्ड इन, हेंस यूज्ड इन प्लास्टिक डिजाइन, है ना, उसको यूज करते हैं प्लास्टिक डिजाइन में। तो इतना जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लास्टिक सेक्शंस के बारे में, है ना। उसके बाद कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन जो है ये डेवलप होता है प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बट इन एडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मैकेनिज्म बिफोर बकलिंग, और सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शंस, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन जो होता है वो एक्सट्रीम फाइबर होता है इन कंप्रेशन, कैन रीच यील्ड स्ट्रेस बट कैन नॉट डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू लोकल बकलिंग, है ना। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, क्योंकि क्लासिफाई करना है इसके बारे में ही आपको बस सिंपली जो है लिखना था, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये पहला चीज लिखा गया, इसको नोट डाउन कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कॉम्पैक्ट सेक्शन, तो कॉम्पैक्ट सेक्शंस कैन डेवलप, कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बट हैव इनएडिक्वेट प्लास्टिक हिंज रोटेशन कैपेसिटी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए प्लास्टिक मैकेनिज्म, प्लास्टिक मैकेनिज्म बिफोर बकलिंग, ठीक। तो ये आप कॉम्पैक्ट सेक्शंस के बारे में लिख लिए, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, ठीक है, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन इन विच द एक्सट्रीम फाइबर इन कंप्रेशन कैन रिच
कैनरिच एल्ड स्ट्रेस, कैनरिच एल्ड स्ट्रेस but cannot develop the plastic moment of resistance due to local buckling, है ना। तो ये आपका लिखा गया, तो ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद आपका जो दूसरा था, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल आपको बनाना है ना। क्या बनाना है? न्यूमेरिकल आपका इसी में दिया गया था, आप यहाँ पे देख पाओगे। तो न्यूमेरिकल अब हम लोग देखते हैं, है ना, उसको भी बनाते हैं। तो देखो, सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर, तो सेफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1+B/D का होल स्क्वायर, ठीक, जहां पे B जो है विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है और D जो है थिकनेस ऑफ फ्लेंज होता है। तो सेफ फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1+100/10 का स्क्वायर, यानी एक 100 मतलब 10 और ये 11 आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा? सेफ फैक्टर। प्लास्टिक मोमेंट, तो प्लास्टिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है ZPFY, है ना। जेड जो है सेक्शन मॉडुलस ऑफ टी सेक्शन, एफ वाई जो है एल्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील आपका होता है, है ना। तो उस केस में हमारा जेड जो है 11 है गुने आपका पी जो है वो आपका 150 गुने 10 गुने 0.25, ये पी इंटू एफ वाई आ गया, है ना। तो यहां से ये कैलकुलेट करेंगे तो 3750 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका क्या आ गया? प्लास्टिक मोमेंट आपका निकल कर आ गया, ठीक है। तो प्लास्टिक मोमेंट निकल कर आ गया, रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। तो रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू पी वाई माइनस एम पी हो जाएगा, है ना। तो पी वाई जो है प्लास्टिक मोमेंट है ना, ये जो पी वाई है प्लास्टिक मोमेंट है, और एम पी जो है ये आपका मोमेंट अप्लाइड टू सेक्शंस आपका दिया गया है। तो एम पी जो है हमारा कितना है? तो एम पी तो हमें नहीं पता भाई कि कितना दिया गया है, दिया गया है। तो मोमेंट जो अप्लाइड है वो हमें नहीं दिया गया है, तो वो निकालेंगे कैसे? तो जो हमारा सेक्शंस है उससे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे जो अप्लाइड मोमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 3000, है ना। उसको कैलकुलेट करेंगे अप्लाइड मोमेंट को, तो 3000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3750 माइनस 3000 करेंगे तो ये आ जाएगा 750 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे हमारा सेफ फैक्टर निकल कर आ गया 11, है ना। प्लास्टिक मोमेंट आ गया 3750 और रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ जो है, रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ कितना आ गया? वो आ गया 750 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका आ गया। तो ये तीनों चीजें जो है निकल कर आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक। अब ये तो आप इसको नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद मैं इसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पूछे गए थे वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, है ना। चलो तो इसको नोट डाउन कर लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखो, अगर आप सिलेबस अगर आप देखे होगे तो सिलेबस में टोटल जो है आपका बात किया जाए तो 6 मॉड्यूल पढ़ना है। कितने मॉड्यूल्स पढ़ने हैं आपके?
मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। मॉड्यूल वन में इंट्रोडक्शन है, मॉड्यूल टू में कनेक्शंस है, मॉड्यूल थ्री में टेंशन मेंबर है, मॉड्यूल फोर में डिजाइन ऑफ फ्लेक्जुरल एंड फ्लेक्जुरल टॉर्स फ्लेक्जुरल है, और पांचवा मॉड्यूल में डिजाइन ऑफ स्ट्रेंथ है, और जिसमें सीयर मोमेंट इंट्रैक्शंस के बारे में है, और मॉड्यूल सिक्स में बीम एंड कॉलम के बारे में है। तो देखो, अगर बात किया जाए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजाइन डिजाइन ऑफ सीयर लैग, है ना। सीयर लैग ये आपका इम्पॉर्टेंट है ना। और दूसरा टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन। कनेक्शन में दो तरीके का कनेक्शन आता है, एक आपका बोल्ट कनेक्शन आता है ना, बोल्ट कनेक्शंस, और एक आता है आपका बेल्डेड कनेक्शन, है ना, बोल्टेड कनेक्शंस, और एक आता है बेल्डेड कनेक्शंस। तो ये दोनों ही कनेक्शंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर तीसरा टॉपिक आप यहाँ पे डिजाइन ऑफ फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ, है ना, डिजाइन ऑफ फ्लेक्जुरल स्ट्रेंथ, जिसमें आपका बकलिंग वगैरह के बारे में डिस्कशन करना है। तो ये बकलिंग से रिलेटेड, लोकल बकलिंग कैसे होता है, क्या होता है, उसके डिजाइन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चौथा टॉपिक है आपका यहाँ पे बीम, है ना, बीम। बीम में इसका डिजाइन के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बीम का डिजाइन से रिलेटेड हो गया। और पांचवा टॉपिक हो गया डिजाइन ऑफ कॉलम, डिजाइन ऑफ कॉलम। ये पांच टॉपिक आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद कुछ और टॉपिक हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक नोट कर लिए, पांचवा हो गया। छठा टॉपिक आप यहाँ पे लिखो, छठा टॉपिक हो गया डिजाइन ऑफ प्लेट गिडर्स, ठीक है। उसके बाद सातवां टॉपिक आप यहाँ पे लिख लो बिल्ट अप कॉलम, है ना, डिजाइन ऑफ बिल्ट अप कॉलम, है ना, बिल्ट अप कॉलम सातवां हो गया। आठवां टॉपिक आप इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लिख सकते हो कंप्रेशन मेंबर, है ना, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। ओके, नौवां टॉपिक आप यहाँ पे लिख सकते हो लग एंगल्स, है ना, लग एंगल्स। तो ये टोटल 9 टॉपिक्स हैं जो कि मैंने इंपॉर्टेंट, ऐसे मॉड्यूल वाइज अगर बात किया जाए, है ना, मॉड्यूल वाइज, तो मॉड्यूल 2, 3, 5 एंड 6, है ना, मॉड्यूल वाइज अगर बात किया जाए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, तो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स के बेसिस पे आपका 2, 3, 5 और 6 ये मॉड्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आया हो। अगर फिर भी यहाँ पे कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और चलिए एक और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका, इसको आप नोट डाउन कर लिए। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन जो है हम लोग आगे की जो क्वेश्चंस है आपका अगले दिन और भी डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे जो सेकेंड का बी है, ऐसे मैं आपको यहाँ पे अभी एज ए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है डिजाइन अ डबल कवर प्लेट बट जॉइंट यूजिंग हेक्सागोनल हेड बोल्ट आईएसओ 4016 एम 24x70 ग्रेड
5.6 प्रॉपर्टी क्लास सी टू कनेक्ट टू फ्लैट ऑफ साइज 350 mm गुने 16 mm फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी एज्यूम प्लेट मटेरियल एज ई 250 है ना। तो ये इस क्वेश्चंस को एज ए होमवर्क आप मानकर चलिए, आपको ये बनाकर हमें जो है शेयर करना है। अगर आप हमारे ऐप पे कोर्सेज ले चुके हैं नोट्स का है ना, यानी नोट्स आप परचेज किए हैं, तो आपको एक चैट ग्रुप मिला होगा है ना, तो उस चैट ग्रुप में आप हमें शेयर करिएगा। ठीक है, जो लोग भी हमारे नोट्स को लिए हुए हैं, तो जो भी नोट्स को परचेज किए हैं उन सभी को चैट ग्रुप मिलता है, तो चैट ग्रुप में आप हमें क्या करिएगा, मैसेज कीजिएगा इस क्वेश्चंस को बनाने के बाद। और जिन लोगों का डाउट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बता दिया, ऐसे और भी क्वेश्चन जो इसमें हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन डील करने वाले हैं। तो प्लीज पूरी चीजों को वन बाय वन जरूर देखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।